टीवी शो डोली अरमानों की फुलवा, कुल्फी कुमार बाजीवाला और लॉकडाउन की लव स्टोरी समेत ढेरों शोज में नजर आ चुके जाने माने एक्टर मोहित मलिक के नए शो पे बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हाँ, 2 साल के लंबे वक्त के बाद एक नए डेली सोप से धमाल मचाने को तैयार है मोहित। और इस बार किरदार होगा ऐसा कि मोहित के फैंस भी करेंगे खूब वाहवाही। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया को एक सोर्स ने बताया है कि मोहित को एक नए शो में बतौर लीड रोल के लिए लॉक कर लिया गया है। हालांकि इस शो का टाइटल क्या होगा और ये किस चैनल पर लॉन्च किया जाएगा अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है। वहीं मोहित के अपोजिट हीरोइन की भी अभी तलाश की जा रही है, लेकिन सोर्स ने ये खुलासा जरूर कर दिया है कि मोहित का इस नए शो में कैसा रोल होने वाला है। सोर्स ने बताया है कि मोहित का नया शो एक फेमस मराठी सीरियल का हिंदी रीमेक होगा, जिसमें मोहित डबल रोल निभाते नजर आएंगे। वहीं खबरें ये भी सामने आई है कि मोहित का शो वीकेंड पर टेलीकास्ट किया जाएगा। हालांकि अगर आपको ये लग रहा है कि ये शो एक फैंटेसी शो है तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक आम शो की तरह ही होने वाला है। बता दें कि मोहित को आखिरी बार कलर्स टीवी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में देखा गया था, जहां मोहित ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से हर किसी को खूब इम्प्रेस किया था। तो वहीं मोहित का लास्ट डेली सोप स्टार प्लस का शो लॉकडाउन की लव स्टोरी रहा था, जो महज 5 महीने तक ही ऑन एयर किया गया था। कम रेटिंग्स के कारण शो को जल्द ही बंद करना पड़ा। हालांकि अब देखना तो ये है कि आखिर किस मराठी शो का हिंदी रीमेक होगा मोहित का ये नया शो, और किस एक्ट्रेस को इस नए शो में मोहित के साथ काम करने का मौका मिलेगा।